हे केमचो, कैसे हो? और फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है हम्पी से उड़पी। इस वीडियो में हम्पी की हॉस्टल की वीडियो कि कितने में मैं रुका था, क्या है, तो हम्पी का पूरा हॉस्टल टूर मिलेगा। मुझे लिफ्ट मिल चुकी है जो है अपना उड़पी के लिए हॉस्टल टू उड़पी 374। और हम ये अपना गेस्ट हाउस से मैं जहाँ हॉस्टल में रुका हुआ था, ये रूम है। लेकिन टेम्पल आई थिंक जस्ट 5 मिनट वॉकिंग के एकदम नियर है। और ये हॉस्टल एकदम नियर अबाउट आपको लोकेशन है ना, जो मेन लोकेशन देखना है वो है। ये पर्सनल रूम है, एसी रूम है, और ये भी सिंगल रूम है। आपको चाहिए तो फैमिली रूम मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें चाहे तो आप, अगर आप लो बजट में हो, ट्रैवलर हो मेरी तरह, तो यहाँ पे किचन भी है, सफाई है, सब कुछ, फ्रिज है, गैस है, ठीक है, बर्तन है। आप अपना सामान ला के मतलब कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, और ये स्मॉल साइज लेकिन अच्छा है। और ये हमारा जो बंकर बेड आता है ना, वो है, ये मेरा है, ये तो जानते ही होगे। सब्सक्राइब कर देना बस यूट्यूब एलेक्स, ठीक है। तो ये है एक्चुअली, देखो गाइस क्या कि हमें 3-4 दिन रहना है, ठीक है। तो कोई अगर बजट ट्रैवलर है, ठीक है, उसके लिए नहीं कि बहुत बड़ा वो चाहिए, क्या बोलते कि मतलब एयर कंडीशन वो भी चाहिए, तो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन ये प्लेस एक लो बजट में है और अच्छे में भी है। और यहाँ के जो ऑनर हैं उनको भी बताता हूँ, मैं ऑनर से मिला रहा हूँ, ठीक है। ये ऑनर है, और कैसे है सर? हाँ बढ़िया। तो ये ऑनर है, यहाँ का एड्रेस बता दीजिए ना, क्या है? कर्नाटका हम्पी कल्याण गेस्ट हाउस। कल्याण गेस्ट हाउस, इसके नियर में क्या क्या है घूमने वाली जगह, वो सब बता दीजिए। यार घूमने का है बहुत जगह है, मेन टेम्पल है इधर विरूपाक्ष टेम्पल। वो जो 50 के नोट में रहता, वही ना, 50 के नोट में पीछे में? नहीं, वो इधर से 2 किलोमीटर होता है। अच्छा, हाँ। वो उसका नाम विठाला टेम्पल। और ये वृक्ष 5 मिनट की दूरी पे है। विरूपाक्ष टेम्पल 5 मिनट का दूर है। तो विठाला टेम्पल, वो स्टोन चैरियट, वो म्यूजिकल कलम सा था ना। मतलब काफी कुछ है यहाँ अपने घर के इधर, काफी कुछ घूमने वाली जगह है इधर ही बाजू में, बहुत जगह है। ये सेंटर सिटी में आते है, वो बहुत छोटा हम्पी, मतलब बहुत छोटा गांव है ये सभी। तो गाइस जैसे ये हिंदी थोड़ा सा, मतलब हिंदी का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है यहाँ पे, तो मैं ये बता रहे हैं ये कि ये एक स्मॉल टाउन है, छोटा सा गांव है। और यहाँ पे आपको करीब में होटल वगैरह बड़ा ऐसा चाहे तो नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, लेकिन बढ़िया है, व्यवस्थित है। और मेन बात के अगर सोलो ट्रैवल, अकेले ट्रैवल करते हो मेरी तरह, तो सस्ता भी है। मैंने 220 में यहाँ पे बुकिंग की थी ऑनलाइन। बुकिंग का है ना, प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है, फ्लेक्सिबल होते रहता है रेट का, ठीक है। तो बाकी एकदम नियर है, मतलब जैसे अगर दूर आप लेते हो ना, तो दूर में फिर रिक्शा भाड़ा खर्च करो, फिर आओ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये करीब में अगर एक दिन है ना, आप पैदल घूम सकते हो, और नहीं तो साइकिल भी रेंट पे मिलती है, 100-120 रुपए लेते हैं अच्छी साइकिल का। लूना भी रेंट पे मिलता है, ठीक है। तो आप कुछ भी चाहे तो आपके ऊपर है, लेकिन चाहे तो पैदल घूमेंगे तो और ठीक है, तो एक साइकिल ले लेंगे, ठीक है। बाकी इस ये रूम्स है ना, डबल रूम, फैमिली रूम्स, ये सब डबल फैमिली रूम है, डबल रूम है, चाहे तो बैचलर को एसी नॉन एसी सब कुछ है। ऊपर टेरेस भी है, ठीक है। और जस्ट यहाँ से 5 मिनट की वॉक पे है, देखिए ऐसी साइकिल है ना, ये वाली साइकिल रेंट पे मिलती है 100-120 रुपए में, बैटरी वाली भी आती है, वो 250-300 लेते हैं, बार्गेनिंग कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अब फाइनली यहाँ को बाय बाय को बोलते हैं, अब उड़पी को हाय हाय बोलते हैं, और देखते हैं आज का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या है। सोच रहा हूँ हिचहाइकिंग के लिए, लेकिन देखते हैं क्योंकि मॉनसून थोड़ा सा हुआ है, देखते हैं, मिलते हैं। थैंक यू, और ब्लॉग में बने रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। ये वाली मार्केट है, ये इधर मार्केट है, और यहाँ पे हमारी बस जो आने वाली जस्ट सेकेंडों में, तो ये सामने रही बस, यहाँ पे पार्किंग होता है, ठीक है। और ये वो मंदिर है, विरूपाक्ष है ना, विरूपाक्ष आई थिंक ये रहा, वो सामने ये मंदिर है, और ये बस स्टैंड है, बस
स्टैंड यहीं पे हर आधे घंटे 15 मिनट में बस है ही। बस की सुविधा बहुत अच्छी है और ये छोटा सा मार्केट है और आई थिंक ऊपर भी घूमने लायक है सब कुछ, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी नाश्ता वास्ता करना था एनीथिंग, और फिर यहाँ से निकल के जाओगे तो यहाँ से आई थिंक नियर में हॉस्टल भी 6-7 मिनट की दूरी पर, ठीक है। तो अब बस आ चुका और ये मेरा बैग रखा, मैं चलते हैं, ठीक है। उड़पी वाला हाईवे पकड़ेंगे और वहाँ से गाड़ी फिर जाते थे, ठीक है। आज कुछ एडवेंचर है। फाइनली मुझे लिफ्ट मिल चुकी है जो है अपना उड़पी के लिए, हॉटस्पॉट टू उड़पी 374। हमारी गाड़ी अब एक नंबर। हे गाइस, गेम चो कैसे हो? तो आई थिंक हॉटस्पॉट हैम्पी मैंने छोड़ दिया है। हॉटस्पॉट से आया मैं हाईवे टीडी डैम और टीडी डैम से डायरेक्ट मैं बोला ना कि आज कुछ एडवेंचर करते हैं और जा रहा हूँ मैं उड़पी और उड़पी टू हिचाइकिंग और हिचाइकिंग भाई खुश, इतना दिल खुश है ना कि ये भाई ने मुझे लिफ्ट दिया है और भाई का नाम है कार्तिक, ठीक है। ये तो भाई का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि स्पेशल थैंक यू इसलिए कि भाई ने मुझे डायरेक्ट उड़पी के लिए भाई बस मिल गई है, मतलब एम्बुलेंस मिल गया भाई, मजा आ गया। कुछ एडवेंचर फर्स्ट मज मस्त रहा, एक नंबर। ये टर्नल में हम लोग घुस रहे हैं अभी। टर्न कैसा, हमारा डायरेक्ट यू टर्न उधर से टर्न लिया सीधा सीधा खारा मंडकी, ये है और ये बजी, बजी, ये भजी है। किसकी भजी है? कांदा भजी है, कांदा भजी। और ये खारा मंडकी कुछ करके है, ये अपना सेव है और ये कांदा है, मस्त है, मस्त है। चलो तो भाई दोनों जन नाश्ता कर रहे हैं, अभी रुके फिर खा। सुपारी होता है और नारियल का भी होता है, ठीक है। सुपारी काफी ज्यादा यहाँ पे सुपारी होता है। हाय या हा हा हा, ये देखो क्या हाइट पे हम लोग, ये देखो कितना छोटा छोटा दिख रहा है। तो हम लोग अभी घुस चुके हैं फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। और यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन है 130 किलोमीटर और ये पूरा फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए। इधर जंगल में काफी मतलब शेर लेपर्ड सब कुछ है। गाइस तो टी टाइम, तो अभी रुके हुए हैं सर भाई चाय के लिए, ठीक है। अभी हम लोग एक गांव में रुके हुए हैं, ठीक है, आई थिंक, ठीक है। ये गाइस इस गांव में मतलब गन्ने की खेती बहुत होती है, गन्ने की और मक्के की, और बारिश भी होता है, ठीक है। चलो मिलते हैं उड़पी में,
आई थिंक उड़पी यहाँ से 300 किलोमीटर के करीब में है। उतर गया हूँ उड़पी में और आई थिंक मेरा डेस्टिनेशन 1.4 मतलब एक किलोमीटर और 400 मीटर पे बता रहा है। तो भाई ने उतार दिया और भाई उस भाई ने मुझे है ना 375 किलोमीटर का लिफ्ट दिया है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। मैं खाली समझ लो ना कि 1.5 किलोमीटर के अराउंडिंग 100 मीटर का मैं वहाँ पर छोड़ा है और 1 रुपया भी नहीं लिया। और भाई ने मतलब बहुत ऊपर से नाश्ता भी करा है, ठीक है। भाई को मैं बोला लेकिन उन्होंने ना बोला, बहुत बढ़िया बंदा था। हाँ, और मेरा फर्स्ट हिचहाइकिंग बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत करीब में मैं पहुंच रहा हूँ। और थैंक यू मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी उड़पी, ठीक है। थैंक यू, ओके।